अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्यारा होस्ट राना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में राउंड अबाउट हम 40K से लेके 2 लाख तक जो है लैपटॉप हमारे सामने मौजूद हैं। पूरी वीडियो को आपने देखना है और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शाज़े कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। रेड शर्ट फुल है। बस मुझे पता था ना आज आपने आना। क्या बात है, तैयारियां करके आते हैं शराब साहब भी पूरी पूरी। आज क्या लेके आए हमारे लिए? आज बात भी हम लोग जो है ना नई सीरीज लाए हैं। सीरीज बेसिकली वही है बट उनमें जनरेशंस, उनमें लुक वाइज, प्रोसेसर वाइज, मॉडल वाइज सब कुछ जो है वो चेंज है। ठीक है, 4th जनरेशन से लेकर 11th जनरेशन तक जो है ना यूज में हमारे पास इस टाइम ना क्वांटिटी बढ़ी हुई है। ठीक हो गया गाइस, 4th जनरेशन से लेके 11th जनरेशन तक के लैपटॉप के हम कवर करेंगे। अच्छा, आपसे मेरा एक लोगों से गिला है थोड़ा सा, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। स्टार्ट पे सिर्फ नंबर मेरा होता है, आ रहा होता है 3 से 4 सेकंड के लिए, वो मेरा नंबर होता है। जिन्होंने वीडियो बनवानी होती है वो लोग वहाँ पे रब्ता करते हैं। आप प्राइजेस के लिए इनसे पूछा करें तो इनका नंबर अंदर होता है वीडियो के, या दरमियान में होता है या लास्ट में होता है। स्टार्ट में कभी किसी शॉपकीपर का मैं तो नंबर नहीं देता होता, तो आप वीडियो पूरी नहीं देखते फिर। बिल्कुल, उनको देखनी चाहिए, लाजिम देखनी चाहिए। सबसे पहले दिखाएं कौन सा लैपटॉप दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले जवाब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी इस टाइम अवेलेबल है और कम प्राइस में अवेलेबल है। ये HP की ProBook सीरीज है, HP 650 G1 i5 4th जनरेशन है। i5 4th जनरेशन 650 G1 ProBook सीरीज है, numpad के साथ है, प्रोफेशनली मॉडल है। उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने बटन्स दिए हुए हैं माउस पैड के, और स्क्रीन साइज 15.6 में हर डेवलपर, हर जो है ना ऑफिस यूजर के लिए ना नमपैड लाजमी होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शन जो है ना वो मेंशन की थी, बट उसमें की थी 14 इंचेस वाली, ये 15.6 इंचेस वाली है। 15.6 एडिशनल जिसको कहते हैं नमपैड के साथ जी, ही आता नमपैड में, जैसे कि आप देख सकते हैं नमपैड एक्स्ट्रा इसमें। रेजोल्यूशन बताइए। इसमें रेजोल्यूशन जो है वो HD रेजोल्यूशन है, कोर i5 4th जनरेशन है, 720p है, और 8GB रैम है इसमें, और 500GB हार्ड ड्राइव है। और इसमें यही बेनिफिट है कि इसमें आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी लगा सकते हैं, एक बैटरी बैडफोर्ड लगी हुई है, कंपनी ने दूसरी की ऑप्शन दी हुई है, प्लस हार्ड ड्राइव बढ़ा सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं। कितनी बैटरी टाइमिंग होगी शिराज भाई इसके? जवाब भाई इसकी मिनिमम जो है ना वो 3-3.5 घंटे इजिली है बैटरी बैकअप इसका। और इसमें ये भी ऑप्शन है कि इसमें डुअल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, उन्होंने सुपर ड्राइव दिया हुआ है, हार्ड रैम बढ़ा सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकता है, अपग्रेडेबल भी कर सकते हैं, एज आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा काम करना चाह रहे हैं तो रैम और SSD लगवाइएगा, SSD के साथ जाइएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मसला आ गया, हमने लैपटॉप यहाँ से लिया था, वहाँ से लिया था, बताते नहीं कहाँ से लिया था, तो इन्हें बताएं कि आप लोग वारंटी भी देते हैं अगर मसला? बिल्कुल बिल्कुल जवाब भाई, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना चेक वारंटी देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें ये सीन होता है, उसमें कस्टमर लेकर जाए हमसे, हम लोग उसको हफ्ता, 10 दिन 15 दिन मैक्स जो है ना वो 20 दिन की हम लोग उसको चेक वारंटी देते हैं। चेक वारंटी में ये होता है, अब हम लोग क्या कंपनी ब्रांड न्यू भी लेना जी, तो कंपनी हमेशा क्लेम उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में करती है जो उसने मेंशन किया होता है। जैसे कि मैं 20 दिन बोल रहा हूँ और 20 दिन के अंदर अंदर हम लोग क्लेम करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर इशू आ जाता है, कोई हार्डवेयर इशू आ जाता है, तो 20 दिन के बाद भी हम लोग कस्टमर से कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट ये करते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं, ज़रा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उनसे मुखातब हूँ इस वक्त जी। अगर आपके साथ कोई, किसी के साथ कोई बुरा सीन हुआ भी है तो आप बताएं किस शॉप वाले ने किया है या किसके साथ हुआ है। आप ये कमेंट्स करके बस भागना जाया करें, रिप्लाई भी दिया करें उन कमेंट्स का। ठीक है, अप्लाई भी दिया करें। अच्छा, साथ दूसरी मशीन प्राइस बताएं, उसकी प्राइस भी जी, उसकी प्राइस जवाब भाई 42,000 प्राइस है उसकी। ठीक है, और 15.6 इंचेस में वो लैपटॉप। और कोई अगर हमारे रेफरेंस से आएगा तो प्यार मोहब्बत कर लेंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन लाजमी, लाजमी सर, लाजमी करेंगे शराज भाई, प्यार मोहब्बत आपको। ठीक है, और जी दूसरा लैपटॉप है, ये भी HP का ही है, ये भी HP का ही है। ये जैसे कि हम लोगों ने मेंशन फर्स्ट पे किया था वो 15.6 इंचेस में थी, ये 14 इंचेस में स्टैंडर्ड सीरीज है। बिल्कुल एलीट बुक सीरीज है, इसमें लिथियम बैटरी आती है इसकी, इंटरनल बैटरी है, स्क्रीन साइज जो है वो 14.0 है, टच स्क्रीन के साथ है, बैकलाइट कीबोर्ड है, और सबसे बिल्कुल और सबसे कमाल बात ये है कि मेटल बॉडी में है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 50K की बजट में या 40K से लेके 50K की बजट में ये एक अच्छा आपका ऑप्शन है, काफ़ी लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। और देखें, पहले वाले में बैकलाइट नहीं था, इसके अंदर बैकलाइट है, टच नहीं था, इसके अंदर टच है। ठीक है, और इसकी रेजोल्यूशन क्या है? इसकी रेजोल्यूशन फुल HD है, 1080p। देखिए रेजोल्यूशन भी बढ़ गई है। जनरेशन 5th जनरेशन है, कोर i5 में है। इसका मॉडल मैं आपको बताता हूँ, HP 840। ठीक है, G2 मॉडल है इसका, कोर i5 5th जनरेशन है, 8GB रैम है इसमें, 500GB हार्ड ड्राइव है, टच स्क्रीन है, फुल HD है, बैकलाइट कीबोर्ड है, मेटल बॉडी है, और लिथियम बैटरी के साथ सारे अच्छे फंक्शन इसके अंदर है। कितना जुर्माना करेंगे? जवाब भी ये 45,000 में है।
45,000 में गाइस बेस्ट मशीन है। अगर आपने कोई हाई एंड का काम नहीं करना जैसे एडिटिंग वगैरह के लिए तो ये परफेक्ट मशीन नहीं है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी नहीं है, बेसिक लेवल के लिए बेहतरीन मशीन है। एक आपने स्टार्टअप करना है, अब अगर आप ऑफिस के क्या कहते हैं बिजनेस के स्टूडेंट बिजनेस के लिए असाइनमेंट्स के लिए दिस इज द बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय फ्रॉम दिस शॉप एज़ वेल। नेक्स्ट बताइएगा जी हमारा। नेक्स्ट जवाब भाई, हमारे जो है ना कस्टमर्स और जो हमारे व्यूवर्स है ना उनको ये शिकायत होती है कि सिक्स जनरेशन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बजट में नहीं आ सकती। अच्छा। तो हम लोगों को फिफ्थ जनरेशन दिखा दो, फोर्थ जनरेशन, डिसाइड हो जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने ना एक अच्छी ऑप्शन लाए इस दफ़ा, डेल की लैटिट्यूड सीरीज है। आपके तो दोस्ती एचपी के साथ है, डेल के साथ नहीं? डेल के साथ भी है, बस जो है ना पाकिस्तान में जो है ना ऑडियंस और जो हमारी व्यूवर्स हैं वो यही कहते हैं कि हम लोगों को जो है ना सिर्फ शुरू से एचपी पसंद है, क्योंकि एचपी की ना बेसिकली लुक जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव आती है। इसी वजह से। अच्छा ये बताइए, अब ये सिक्स जनरेशन है, इसका मॉडल है डेल लैटिट्यूड 5480 मॉडल है इसका। अब इसमें बेनिफिट्स ये हैं, एक तो कस्टमर्स की जो है ना बजट में भी आ जाएगी, दूसरी चीज़ ये कि जनरेशन भी सिक्स मिल जाएगी, तीसरी चीज़ ये कि इसमें रैम भी DDR4 मिल जाएगी आपको। अच्छा DDR4 RAM है, 5480 मॉडल है इसका, लैटिट्यूड सीरीज है, ब्लैक कलर में है, और i5 सिक्स जनरेशन है। इसमें 8GB रैम मिलेगी आपको, 256GB SSD मिलेगी, और अब इसमें जो SSD है वो भी NVMe 2 लगी हुई है, जो कार्ड होता है बेसिकली स्लॉट होती है, इतना सा कार्ड होता है। बिल्कुल चिप साइज़ में एक कट वाला है, दो कट वाला, ये डबल कट वाला, सिक्स जनरेशन में डबल कट आता है, डबल कट आता है। और ये स्पेक्स के साथ कितने का है ये जवाब भाई? हमारे व्यूवर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए हम लोग दे देंगे उनको 48,000 में। डेल की मशीन जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखें प्राइसेस, अगर आप दो महीने के बाद वीडियो देखेंगे प्राइसेस विल बी चेंज। आपको पता है इनकी बाइंग फिर नहीं आती है तो ऑब्वियसली स्टॉक बिल्कुल प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। ये थोड़ा सा गौर कर लीजिए, करिए इस बात पे। आप हमारे लिए जो है बड़े प्यार मोहतरम हैं हमारे लिए, आप हमारे व्यूवर्स हैं, क्या कह सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा ख्याल किया करें, दो माह के बाद आप वो सेम प्राइस नहीं मिलेगी आपको। जी नेक्स्ट मॉडल बताइएगा। जी भाई, नेक्स्ट मॉडल जो है ना, अब हम लोगों ने लेटेस्ट जो मॉडल जिस टाइम हमारे पास अवेलेबल है वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये लगा हुआ है जी एचपी का लेटेस्ट जो लोगो है, लोगों के साथ आई कमाल का लोगो, और ये टच स्क्रीन है, X360 रोटेटेबल भी है, इसको एज अ टैबलेट मोड पे भी आप यूज कर सकते हैं, हैंड कैरी भी यूज कर सकते हैं। कोई लेके बैठा हो यूनिवर्सिटी में तो पूछेगा कहाँ से लिया है, तो क्या कहेगा वो? उसको कहिएगा कि हैंडसम भाई है फीस सेंटर में, उनसे लिया मैंने, शिराज भाई से लिया, बताएगा जी तरीफे हैं बिल्कुल। आप कमेंट में बताएं कैसे लग रहे हैं आज शिराज भाई, कमेंट में बताना आपने। इनको मार्क्स दे देने आपने 10 में से, इनकी लुक्स के नंबर दे देने। अच्छा एचपी का बताइए कौन सा? ये जवाब भाई 1030G2 मॉडल है, एलीट बुक की। ये काफी क्वांटिटी में आपके पास, काफी क्वांटिटी में इस टाइम जितने मॉडल बता रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ जो मेंशन किए इसमें भी हमारे पास काफी क्वांटिटी है। उसके अलावा भी मैं कस्टमर्स को लास्ट पे मॉडल्स, कुछ मॉडल्स हैं जिसमें क्वांटिटी पड़ी है, क्योंकि एक वीडियो में हम मैक्स जो है वो इतने लैपटॉप तो बता नहीं सकते। 1030G2 है, i5 7th जनरेशन है, 8GB रैम है इसमें, 256 इसमें भी SSD लगी हुई है, NVMe 2 है, टच है, X360 है, फुल SD है, 1080p रेजोल्यूशन है, और विद बैकलाइट कीबोर्ड के साथ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा बुक दी हुई है उन्होंने, अल्ट्रा स्लिम दी हुई है, बिल्कुल स्लिम है ये, लाइट वेट मशीन है ये। इसका मुझे नहीं पता आप कितना वेट होगा ग्राम्स में, लेकिन लाइट वेट है, आपके रजिस्टर्ड नोटबुक जस्ट लाइक दैट है। आप इजीली इसको ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते, वैसे बिल्कुल ऐसे करके पकड़ के लेके जा सकते हैं आप, इजी टू कैरी, इजी टू कैरी। एचपी के न्यू लोगो के साथ है, 1030G2 मॉडल है ये, और स्पेक्स आपने बता दिए जी, और इसकी रेजोल्यूशन 1080p है, 1080p है, टच है ये, टच है जी बिल्कुल, टच स्क्रीन है, X360 है विद बैकलाइट कीबोर्ड, और सबसे मेन चीज है मेटल बॉडी में। कुछ कस्टमर कहते हैं कि हम लोग 360 करेंगे ये डैमेज हो जाती है, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग जैसे डीपली तसल्ली करते हैं ना, तो हम लोगों ने इस तरह इसको यूज करना होता है, ये देखते हैं, जबकि कोई आम कस्टमर जो है ना वो ऐसे यूज नहीं करता, उसने बड़े आराम से एहतियात से ऐसे करना होता है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपने लैपटॉप को खोलना ना, आप दरमियान से पकड़ेंगे, बिल्कुल कैमरे वाली साइड यहाँ से, ठीक है, आप ये साइडों से पकड़ेंगे ना, तो एक तरफ वजन डालेंगे तो काम मामला खराब हो सकता है, डेफिनेटली। जब आपने लैपटॉप को ओपन करना है ना, तो आपने दरमियान से ग्रिप के साथ, ठीक है, ऐसे करेंगे ना, थोड़ा सा मसला आ जाता है, वो फोर्स जो है वो एक साइड पे लग जाती है, फिर वो बर्डन जो है वो सारा एक। अच्छा ये 1030G2 था, और ये इनके पास मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल है, हर एक अच्छे फीचर इस लैपटॉप के अंदर है। अब अगेन वही बात है, रिक्वायरमेंट आपकी है, टच आपको चाहिए नहीं चाहिए, बजट आपका कितना है, कितने का जुर्माना? ये जवाब भी 70,000 में, 70,000 में ये लैपटॉप है। 7th जनरेशन है ना, 7th जनरेशन Core i5 है, टच है X360। अच्छा अभी मैंने सुना है कि 12th जनरेशन भी लाउंच होगी, हो गई है, अभी लाउंच हो गई है, बट अभी जो है ना समझ ले कि उन्होंने इंट्रोड्यूस ही करवाई है, बट प्रॉपर जो है वो पाकिस्तान में लेट आएगी, न्यू जो कर रहे हैं वो आप बेसिकली हम तो ब्रांडेड में कर रहे हैं, बिल्कुल। तो
फिर बजट बढ़ जाएगा आप लोगों का, न्यू की बात करेंगे लाख से ऊपर जाएंगे, तो ये आपके अच्छे एक बजट में आप यूज़ भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान में तो यूज आइटम्स लोकली जो होते हैं ना वो तो लोग बाई नहीं करते, ये सारी इंपोर्टेड होती हैं, बाहर वाले लोग किसी और तरह से यूज़ करते हैं, हम किसी और तरह से यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा क्या करते हैं, तब तक वेट करते हैं जब तक मशीन डेड नहीं होती। बिल्कुल, बाहर वाले तो जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उन्होंने मैक्सिमम जो है ना 24 घंटों में समझ के लिए एक डेढ़ घंटा मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो दो घंटा यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। प्राइस कितनी है? 70,000। नेक्स्ट मॉडल बताइए। काफ़ी मॉडल है, आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, माजरत के साथ आप वीडियो पूरी देख लिया करें, नंबर इनका भी चलेगा थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर आएगा। ये लें जवाब भाई, जैसे कि इसमें अब ये हम लोगों ने 8th जनरेशन पे मेंशन करेंगे, 8th जनरेशन है, इसका मॉडल जो है वो 830G6 है, ठीक है, Core i5 8th जनरेशन है, इसमें 16GB रैम है, 16GB रैम है, और रैम भी DDR4 है, 256 SSD है, ठीक है, टच स्क्रीन है, X360 है, बैकलाइट कीबोर्ड है विद फिंगरप्रिंट, उन्होंने इसमें फिंगरप्रिंट भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, फिंगरप्रिंट जो है पहले वालों के फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं, लेट्स सपोज अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है, आप अच्छे नहीं है याद करने में चीज़ों, तो आप फिंगरप्रिंट लगा देना इजीली, और ये एक अच्छा फीचर होता है। आप देखें पासवर्ड, मैंने एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मैंने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, मैंने अपने लैपटॉप का पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ मेरे पास होती हैं, मुझे पता है मेरे पास है। अगर आपके पास को कुछ लोग रहते हैं इर्द गिर्द, फिर आप लगा लें, टाइम बहुत ज़ाया होता है, हर बार आप एक ही पासवर्ड लगाते हो, मोबाइल पे भी एक ही पासवर्ड लगाते हो, हाँ हर बार लैपटॉप पे भी एक ही पासवर्ड लगाते हो, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने 4 साल आप एक ही पासवर्ड लगाया हुआ ना, तो आपने कोई 6 महीने अपने ज़िंदगी का ज़ाया कर दिए पासवर्ड लगा लगा के, ठीक है। तो ये मैं बेटर आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको सेंसिटिव डाटा रखा हुआ है तो फिर आप पर डिपेंड करता है क्या इस पे स्पेक्स के साथ कितना चढ़वाना है। ये जवाब भाई, 16GB इसमें रैम है, बाइट फोल्ड तो वैसे आती है 8GB, लेकिन ये स्पेशल एडिशन है, उन्होंने न्यू लॉन्च किया है, इसमें 16GB भी 8GB दोनों वेरियंट है, तो ये 16GB 256 i5 8th जनरेशन टच X360 के साथ ये मिलेगा 85,000 में। गाइस आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही फिर भी लाइक करना बनता है आपका, क्योंकि लिए आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक 20K नहीं किए, दिसंबर से लड़ रहा हूँ मैं इनके साथ यार, ये सबसे बुरी बात है, उसकी रीज़न ये कि हमारी कोशिश जो है ना वो होती है कि कस्टमर्स को अच्छी लैपटॉप दें, अच्छी उसकी प्राइजेस दें, और जो है ना जितना मैक्सिमम फेवर होता है वो दें, और इतने ज्यादा फेवर्स में छोटा सा फेवर तो आपको बनता ही ना, रेड बटन पे क्लिक कहीं कर दे। अच्छा सिराज भाई, वो डेब्यू टाइम हो रहा लोगों का ना काफ़ी मेरे चैनल पे सिंगिंग का ना, मैं थोड़ा सा कंपटीशन करवा रहा हूँ आपस में ना पीसेंट वाले लोग, तो आपको एक गुनगुनाना चाहेंगे तो एक आधा सॉन्ग कोई भी आपके मतलब कोई भी, इतनी अच्छी तो वॉइस मेरी है नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं यार बड़ा सिंगर, तो जो एक आधा बोल जो है ना वो गा देता हूँ, अब उसमें चॉइस आप दे मुझे कौन सा गाना कहते हैं, जो गाना कहते हैं कोई भी, आपको पता है पप्पू बच्चे हैं हम लोगों, आजकल के जो सॉन्ग सुनते हैं वो शायद ऑडियंस को पसंद ना है, मेरी सुने कोई सुना दे, हमारे व्यूअर्स जो है ना वो थोड़ा सा हंस भी लेंगे थोड़ा सा, कोई 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 वो ठंडे ठंडे पानी से वही गाते हैं, चले ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अगर गाना ना आए तो फिर भी नहाना चाहिए। ये देखे शरार भाई नहीं मूड में है, नहीं गाने जा रहे, चले उन्होंने ट्राई किया, ठीक है बिल्कुल, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना ना आए तो गाना चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं जी नेक्स्ट मॉडल पे, आपको पता नहीं अच्छा लगा है नहीं लगा है जिन्होंने ट्राई किया। ये लें जवाब भाई, अब ये सबसे जो है ना यूनिक और सबसे लेटेस्ट ऑप्शन है हम लोगों ने, ये भी एचपी में ही है जी बिल्कुल, ये एचपी की लेटबुक है। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें 10th और 11th जनरेशन यूज में चाहिए, बेसिकली सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये 10th जनरेशन है एचपी की, 840G8 मॉडल है इसका, ठीक है, कोर i5 8th जनरेशन है, इसमें 16GB रैम है और 256GB SSD है, 10th जनरेशन है, टच स्क्रीन है, फुल HD रेजोल्यूशन है विद बैकलाइट कीबोर्ड, और डिज़ाइन इसका जो है ना उन्होंने फुली चेंज कर दिया, बैक एंड फ्यूजन के इसके अंदर स्पीकर्स हैं और साउंड है, ये देखें यहाँ पे स्पीकर हैं इसके, यहाँ से आवाज़ आएगी आप बिल्कुल ऊपर वाली साइड, कहीं लैपटॉप्स के यहाँ पे होते हैं, कहीं के यहाँ पे, यहाँ पे भी स्पीकर है, लेकिन यहाँ से एक आवाज़ जो है ना थोड़ी सी नीचे ना थोड़ी ज़्यादा मैक्स हो जाती है, तो ये एक अच्छा एक सीरीज है। देखिए सारे आज मोस्टली हमने HP के किए हैं, ये भी न्यू लोगों के साथ है, और ये देखें ये भी बॉडी जो है मेटल क्या जुर्माना है सर इसका? ये जवाब भाई 110,000 रुपये की है 10th जनरेशन। वैसे जो है ये जब ब्रांड न्यू थी ना, क्योंकि कुछ कस्टमर ये भी हमसे पूछते हैं कि यार यूज़ में इतनी क्यों तो ये है, तो ये जब ब्रांड न्यू थी तो तभी ये कितने की थी? अच्छा, तो ये जब ब्रांड न्यू थी ना, ब्रांड न्यू अब तभी ये आ रही थी 148 में, ठीक है,
और 148 में अभी भी अगर इसमें सर्टिफाइड रीफर्ब लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, बट वो आपको मिलनी कि 140 138, तो उससे अच्छा तो आप यूएस पे डेफिनेटली जाएं, क्योंकि इनकी कंडीशन जो है वो 10x10 है, स्क्रैच लेस है और ये सारे स्लाइटली यूज हैं, ये ज़्यादा यूज़ हुए नहीं है। कुछ पीसेज जो है ना बेसिकली ये जो ज़्यादा 10th और 11th जनरेशन है ये डिस्प्ले के पीसेज हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुए। जी तो गाइस मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, काफ़ी लोग वीडियोस में देख रहा हूँ, आप लोग ना कोटेड मशीनें परचेज करते हैं या आप लोग 15,000 वाली मशीन देख रहे होते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने कोई इस लेवल का काम करना तो कम अज़ कम रिकमेंडेड मैं आपको करूँगा 3rd जनरेशन से स्टार्ट लें। आप 15,000 का लैपटॉप लेके आप क्या करेंगे, ठीक है, आपकी वो स्पीड स्लो हो जाती है, आपका टाइम ज़ाया करता है, आपके हाई एंड की कुछ चीज़ें नहीं चलती। बिल्कुल, मेरी ये कोशिश होती है कि अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज करना है तो कम से कम 3rd जनरेशन से स्टार्ट करें, ठीक है। काफ़ी आप वीडियोस और लोगों की भी देख रहे होंगे लेकिन वो कोटेड आता है कोई 8,000 का 9,000 का, वो फ़ायदा नहीं है लैपटॉप वो लेना, 15,000 का भी फ़ायदा नहीं है। कम से कम आप 20-25-30 यहाँ तक बजट बनाएं और एक अच्छा लैपटॉप लें ताकि आप इजीली काम कर सकें। कोटेड लेके आपने तंगी होना है आगे, आपके पैसे एक किस्म के ज़ाया हो जाने। हाँ, अगर आपने कुछ सिंपली छोटे मोटे काम करने फिर आप ले लें कोटेड, थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा बजट अच्छा। अगर जस्ट यूट्यूब पे या जस्ट जो है असाइनमेंट वगैरह बनाने में उसमें 1st 2nd जनरेशन जो है ना समझ आते हैं जी। अब ये नहीं है कि हम लोग जो है ना 4th जनरेशन से लेकर 10th 11th जनरेशन तक का ऑप्शन दे रहे हैं। 4-5,000 में कोई लैपटॉप आता है? 4-5,000 नहीं, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल पता नहीं। अब आप खुद सोचें, एक लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो 16,000 की, अब एक लैपटॉप की या मोबाइल की कोई भी फोन ले लें अगर उसकी एक्सेसरीज जो है वो महंगी है तो डेफिनेटली वो लैपटॉप तो 4-5,000 रुपए में नहीं ना। मेरा सिर्फ काम ये नहीं है आपको सिर्फ प्राइसेस बताना, मेरा आप लोगों का काम है आपको गाइड करना कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट रहेगी। अच्छा, साथ एक और लैपटॉप है जी एचपी का, ये भी हम कवर करते हैं। भाई सबसे लेटेस्ट है, बस वीडियो खत्म होने वाली, परेशान नहीं होना। सबसे लेटेस्ट है और सबसे यूनिक मॉडल है और ये 11th जनरेशन में है। 11th जनरेशन में एलीट बुक सीरीज है और 11th जनरेशन में है। एचपी 840G8 मॉडल है इसका, ठीक है। 2.6 इसका प्रोसेसर है, अदरवाइज देखा जाए ना वैसे जो 7, 8, 9, 10, 11 जो आते हैं ना उनका प्रोसेसर ज्यादातर आता है 1.9, 1.8, 2.0, मैक्स जो आता है वो 2.2 आता है। इसमें उन्होंने 2.6 दिया हुआ जो मेंशन है, प्लस ये टर्बो बूस्ट है, ठीक है। ये टर्बो बूस्ट होकर 3.4 तक जाता है। शराज साहब बहुत शुक्रिया, आप सब कुछ बता रहे हैं जी, और आपने कमेंट्स में बताना है शराज भाई ने आज कैसा अच्छा ब्रीफ किया कमेंट्स में, ठीक है, वीडियो में। और ये i5 11th जनरेशन है, इसमें 16GB रैम है बाय डिफॉल्ट और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो, 64 भी। रेजोल्यूशन इसमें फुल HD 1080p रेजोल्यूशन है, ठीक हो गया जी। 11th जनरेशन है, कोर i5 है और मेटल बॉडी में है जैसे कि आप देख सकते हैं। शाज भाई बताएं हमारे व्यूअर्स को कितने का मिलेगा ये? सर मिलेगा 135 में, जबकि ये ब्रांड न्यू इस टाइम ब्रांड न्यू भी अवेलेबल है, ब्रांड न्यू इस टाइम है 178 में, 178 में, ठीक है गाइस। 135 में आप ये यूज में, अगेन बता रहा हूँ काफी लोग बाद में पूछते हैं यूज में है कि न्यू है, ये यूज में है, जस्ट लाइक न्यू ही लगते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन से आपको पता, जब भी लेना चेक करना है। आप कहेंगे जी, कुछ लोग कमेंट में कहते हैं जी नहीं ये टूटे छूटे जी डेंट लगे हुए, यार आप चेक करके लो, वारंटी देते हैं आप। बिल्कुल, हम लोग ये नहीं कि सिर्फ जुबानी कलामी दें, हम लोग ये मेंशन करके देते हैं बिल पे कि ब्रदर ये ना तो रिपेयर्ड है ना ये पेंशेंट है, ये आप जिसको मर्जी चेक करवा सकते हैं। एक और लैपटॉप आ गया जी डेल का, ये काफी मशहूर सीरीज है, ये सर प्रिसीजन सीरीज है, ये प्रिसीजन सीरीज है और ये इस टाइम सबसे टॉप ऑफ द लाइन है जो डेल एक्सप्रेस को कम्पीट करती है। डेल की एक सीरीज आती है एक्सप्रेस जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, ये उसी को कम्पीट करती है, ये उसी के लिए हम लोगों ने ना बेसिकली मेंशन जी। इसके स्पेक्स बता दीजिएगा। ये जवाद भाई कोर i7 8th जनरेशन है, इसका मैं कंप्लीट मॉडल बताता हूँ, डेल प्रिसीजन 5530 मॉडल है इसका, ठीक है। और कोर i7 8th जनरेशन है और टच स्क्रीन है, X360 है। अभी ये गेमिंग लैपटॉप है प्रॉपर, कुछ कस्टमर्स ऐसे कहते हैं कि यार हमें गेमिंग लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप जो है वो बेसिकली आते हैं फैटी, जो पुराने मॉडल्स आते थे 6-7 जनरेशन, ये उन्होंने बेसिकली न्यू लोगो और न्यू जो है ना डिज़ाइन के साथ अल्ट्रा स्लिम मेंशन किया हुआ है। इसमें 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। कोर i7 8th जनरेशन है और Core i7 8th जनरेशन है और 16GB इसमें रैम है बाय डिफॉल्ट, 512 SSD है, DDR4 रैम है और 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ है, टच भी है और 360 भी है। गेमिंग में उन्होंने ये और जो है ना फीचर ऐड कर दिया। अभी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर्स हैं या वो गेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड रिक्वायर आपकी मेमोरी को रिक्वायर करता है और आप ऑब्वियसली आपको एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छी गेमिंग की जो स्पीड है वो ग्राफिक कार्ड की वजह से ही मिलती है। अच्छा, ये स्पेक्स 4GB इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है
ये जवाब भाई 190 में है, 190 हमारा नंबर जो है ना वो 0300-463-6137 ठीक है। बहुत शुक्रिया शिराज भाई, कमेंट से बताइएगा शिराज भाई ने कैसा डिस्क्राइब किया, लास्ट में बताना है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। और बहुत शुक्रिया शिराज भाई अगेन से। गाइज आज के लिए आपका होस्ट जो है काफ़ी लैपटॉप्स कवर किए हैं, लंबी वीडियो हो गई है, तो कोई मसला नहीं है, बनती रहती है। और इस वक्त आपका दोस्त, आपका होस्ट RJ500 शिराज साहब के साथ इस प्यारी सी शॉप से प्यारे से दोस्त के साथ इजाज़त चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।